हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल के एम छो कसे काय के रो हाल है केना छी आ सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग के मोना छो मनकम खम्हा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तु भ्यंग राधे राधे राम राम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं कि बुध देवता तुला लग्न के कुंडली में कैसा फल देंगे। अगर आपकी कुंडली तुला लग्न की है या आप जिस व्यक्ति की कुंडली देखना चाहते हो उसकी कुंडली तुला लग्न की है तो इस कुंडली में बुध को शुक्र देवता ने द्वादश और नवम भाव का मालिक बनाया, यानी कि भाग्य का, ससुराल का, संत महात्मा का, पिता का और जेल यात्रा का, विदेश सेटलमेंट का, फॉरेन घूमने टहलने का, अस्पताल के खर्चे का, धन हानि का, इन सब का मालिक बनाया। क्योंकि मूल त्रिकोण के मालिक होने के कारण इस कुंडली में बुध एक योग कारक ग्रह के तौर पे जाने जाएंगे। बुध का क्या कैसे फल होगा, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देवी और सज्जनों, बुध का इस कुंडली में सबसे पहले प्रथम भाव से ही चर्चा आरंभ करते हैं कि बुध अगर आपके कुंडली के प्रथम भाव में यहाँ पर में विराजमान है तो आपको क्या फल देगा। बुध आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर बैठने के कारण बुद्धिमान बना देगा। बुध के समय में दिमाग बहुत तेजी से चलेगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, विनम्रता बनी रहेगी। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी अच्छा चलेगा। बुध अगर आपके कुंडली के द्वितीय भाव में विराजमान है देवी और सज्जनों तो धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति होगी, बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी। इतना ही नहीं, बुध के समय में जो है सो आपको परिवार का भी सुख मिलेगा, वाणी भी बहुत मीठी रहेगी, पड़ोसी से भी लाभ मिलेगा और सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में तो विदेश से भी लाभ मिल सकता है, काम धंधा बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। बुध अगर आपके कुंडली के तीसरे भाव में है तो पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी दूर होगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छोटे भाई बहन जूनियर्स का भी लाभ मिलेगा। सप्तम दृष्टि कुंडली के नवम भाव पर में तो भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा वगैरह का अवसर मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि पिता इन सब का आशीर्वाद भी मिलेगा। बुध अगर आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में है देवी और सज्जनों तो सुख की प्राप्ति होगी, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति का भी सुख मिलेगा, माता से लाभ मिलेंगे और जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला में वृद्धि भी होगी। सप्तम दृष्टि दशम भाव पर में पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलेगा, पिता की संपत्ति से फायदा होगा, काम धंधा बढ़िया चलेगा, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी खूब वृद्धि होगी। बुध अगर आपके कुंडली के पंचम भाव में कुंभ राशि में बैठा हुआ है तो भी बुध आपको अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ पर बुध बैठने के कारण आपको पुत्री का योग बनाएगा, संतान का सुख मिलेगा, विद्या बुद्धि में बहुत इंटेलिजेंट बन जाएंगे, अचानक से धन लाभ का योग, पेट से संबंधित परेशानी के दूर होने का योग। और सप्तम दृष्टि कुंडली के एकादश भाव पर में तो आपको बता दूं मैं कि आय में वृद्धि, लाभ की प्राप्ति, उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामना के भी पूर्ति का योग बनेगा। बुध अगर आपके कुंडली के छठे भाव में मीन राशि में नीच के हो तो पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति होगी, केस मुकदमा कर्ज इत्यादि हो सकता है। और सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पे तो खर्चा ज्यादा, धन हानि का योग, अस्पताल खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी का भी योग बनेगा। बुध अगर आपके कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है तो बता दूं कि जीवन साथी का सुख, काम वासना की पूर्ति, वैवाहिक जीवन के मामले में समय बढ़िया, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा चलना, सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में तो बुद्धि से भी बहुत तेज और चेहरा पर में भी एक गजब का तेज रहेगा। बुध अगर कुंडली के अष्टम भाव में है और बुध का समय आ गया है तो बुध आपको क्या करेगा, बुध जो है आपको अचानक से धन हानि का योग, रैंडम लॉस, दुर्घटना, एक्सीडेंट, मृत्यु तुल्य कष्ट की स्थिति, परिवार में टेंशन, तनाव, कलह, पड़ोसी के साथ लड़ाई झगड़ा, धन धान्य संपत्ति में कमी का योग बनाएंगे। बुध अगर कुंडली के नवम भाव में है देवी और सज्जनों तो भाग्य का खूब साथ मिलेगा, धर्म कर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा वगैरह करने का अवसर मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद मिलेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी आपकी दूर होगी। बुध अगर आपके कुंडली के दशम भाव में है तो पिता तुल्य लोगों से लाभ, इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि और सरकार से भी फायदे के योग। सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर में सुख में वृद्धि, माता तुल्य महिलाओं से लाभ, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति की भी प्राप्ति के योग बनेंगे। बुध अगर आपके कुंडली के एकादश भाव में लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामना की पूर्ति होगी, सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, पुत्र वधू दामाद का सुख मिलेगा,
संतान का भी सुख मिलेगा, अचानक से धन लाभ होंगे, यश में भी वृद्धि होगी। बुध अगर आपके कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है देवी और सज्जनों, तो क्या होगा, तो ये बुध देवता आपको धन हानि की, जबकि उच्च का है फिर भी धन हानि का योग, अस्पताल खर्चा, एक्टिवेट आंख से संबंधित परेशानी, दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज, केस, मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अभ्यास, कलंक, शोक और दुख के ये योग बनाएगा। जिसके भी कुंडली तुला लग्न की है वो व्यक्ति जीवन में अगर भाग्य का साथ चाहता है, क्योंकि आपका भाग्य इस बुध है, तो ये जो पन्ना रत्न है इसको जरूर धारण करें। आप भी पन्ना रत्न अगर तुला राशि तुला लग्न वाला व्यक्ति धारण करेगा तो उसको जीवन में बहुत लाभ मिलेगा। शर्त यह है कि बुध आपके कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कहीं भी है तो आप पन्ना रत्न जरूर धारण करें, इससे आपको भाग्य का साथ मिलेगा, दिन दोगुना रात चौगुना वृद्धि होगी, आमदनी में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, पैसा खूब आएगा, पराक्रमी बन जाएंगे, और आपको मैं बता दूं ससुराल से भी लाभ मिलेगा, तीर्थ यात्रा वगैरह भी करेंगे, हायर एजुकेशन में भी फायदा होगा, बिजनेस व्यापार में भी लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप मेरे माध्यम से चाहते हैं कि आपको पन्ना रत्न उसको सिद्धि करके, अंगूठी बना करके, शक्ति को जागृत करके आपको दिया जाए, तो आप सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भी अगर भेजना चाहें तो वो भी भेज दें, जन्म कुंडली की जांच करवा करके जान लें कि आपको कौन कौन से रत्न धारण करने चाहिए, और नहीं डायरेक्ट रत्न मंगाना चाहते हैं तो आप लिख के भेजें, गुरुदेव पन्ना रत्न चाहिए, मेरा शरीर का वजन इतना है, कितना पहनना है आप बता दो, ये मेरा एड्रेस है, कितना पैसा हुआ ये बता दो, मैं आपको बता दूंगा, आप जमा कर लेंगे, आपके एड्रेस पर वो पहुंच जाएगी। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम राम।